साथियों, हमारी वायुसेना और हमारा डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा रक्षा क्षेत्र वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, एयरक्राफ्ट के निर्माण में इंडिजनाइजेशन की ओर मजबूत कदम बढ़ा चुका है। आज लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, सेंसर्स, राडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी चीजों में हम बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं और इन क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। कुछ समय पहले तक भारत को आर्म्स एंड इक्विपमेंट के मामले में सिर्फ एक इंपोर्टर कंट्री के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज भारत लगभग 90 कंट्रीज को आर्म्स एंड इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो हमारी वायुसेना और हमारे रक्षा क्षेत्र के इवोल्यूशन की एक स्वर्णिम कहानी कहते हैं। साथियों, आज जो प्रदर्शन हमारी एयरफोर्स ने किया है, उस प्रदर्शन को मैं महज एयरफोर्स के प्रदर्शन के तौर पर ही नहीं देखता हूं। जो एयरक्राफ्ट हमारी नजरों के सामने आसमान चूम रहे थे, उन्हें मैं सिर्फ एयरक्राफ्ट की उड़ान के रूप में ही नहीं देखता हूं, बल्कि मैं उन्हें इंटायर एरोस्पेस इंडस्ट्री के उड़ान के रूप में उसे मैं देखता हूं। यह जो उड़ान आज हम सब लोगों ने देखी है, इसमें हमने देखा कि एक मजबूत इंजन है जो एयरक्राफ्ट को आसमान तक पहुंचा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि एयरक्राफ्ट को आसमान तक पहुंचाने के पीछे हमारे एयर वॉरियर्स की डेडिकेशन के साथ साथ न जाने कितने इंजीनियर्स की नॉलेज लगी है, न जाने कितने साइंटिस्ट का विजन है, न जाने कितने टेक्नीशियंस की इसमें मेहनत लगी है, न जाने कितनी एकेडमिया और रिसर्चर्स की स्टडी और रिसर्च लगी है। यानी उड़ान के पीछे के असली इंजन ये सभी लोग हैं। साथियों, इंडियन एयरफोर्स रक्षा और सुरक्षा के मामले में तो पायनियर है ही, इसमें तो इनका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है ही, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आप सब इकॉनमी के दूसरे सेक्टर्स के लिए भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इनडायरेक्टली आपके पीछे एक लंबी सप्लाई चेन जुड़ी है, जिससे देश में न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, बल्कि इन सब के चलते देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट भी डेवलप होता है। इन्हीं सब का परिणाम है कि आज भारत अपनी जरूरतों के लिए डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ हम अनेक विदेशी इक्विपमेंट के पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी अपने देश में कर रहे हैं। आपको यह भी मालूम होगा कि भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सेफ्रान हेलीकॉप्टर इंजन एक ज्वाइंट वेंचर के तहत हाई पावर इंजन के डिजाइन और डेवलपमेंट पर भी काम कर रहे हैं। इस ज्वाइंट वेंचर को सफल नाम दिया गया है। मैं समझता हूं कि इसका सिर्फ नाम ही सफल नहीं है, बल्कि यह ज्वाइंट वेंचर अपने प्रयासों में भी सफल होगा और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में दोनों देशों के लिए स्किल और एक्सपीरियंस को बढ़ाने में भी यह मददगार साबित होगा।